हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जो है गेट प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली गेट सीएससी के लिए बात करूँगा। हाउ टू स्टार्ट गेट प्रिपरेशन। और आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि अन अकेडमी की तरफ से इस बार निकले हैं ऑलमोस्ट हर ब्रांच में टॉपर्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक वन भी आई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टॉपर्स। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बता दूँ कि अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 20 मार्च को होने वाला है, जिसमें आप अभी के अभी एनरोल कीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप रैंक लेके आते हो तो आपको उस हिसाब से अन अकेडमी के गेट 2023 और गेट 2024 के कोर्स पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और अगर अच्छी रैंक लेके आते हो तो 100% स्कॉलरशिप भी यहाँ से लेके जा सकते हो। तो अभी के अभी इसको रजिस्टर कर लो। 20 मार्च तारीख याद रखना, 11 बजे सुबह टेस्ट ज़रूर दे देना। ऑल्सो अन अकेडमी का प्राइस हाइक जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो अभी के अभी कोर्स ले सकते हो तो ज़रूर लो। कोड यूज़ करना US10 और अभी के अभी 10% ऑफ पाओ, क्योंकि प्राइसेस देख रहे हो हाइक करेंगे 10% से तो कितना ज़्यादा जो है फ़र्क आने वाला है। इसलिए जितना जल्दी प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे उतना जल्दी अच्छा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोर्स लेने की कोशिश करो, अगर गेट 2023 या गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। और बहुत ही जल्दी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ गेट और ESE एस्पिरेंट्स के लिए अन अकेडमी जो है वो देने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस। ऑल्सो अन अकेडमी के जो नए बैचेस हैं वो ऑलमोस्ट हर ब्रांच के लिए 23 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, जिनमें आप एनरोल कर सकते हो यूजिंग माई कोड US10। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर जरूर कॉल कर लेना। सो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर स्टार्ट मिल जाता है तो चीज़ें जो है खुद ब खुद होती जाती हैं, लेकिन स्टार्ट करना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो हम लोग यहाँ पे मेनली गेट CSE की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलेबस जो है खोल लिया है, तो इस सिलेबस को देख के हम लोग जो है आगे की बात करेंगे। सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होता है वो CS और IT दोनों का ही साथ में होता है, भले वो कौन सी भी ब्रांच हो। सो सबसे पहले यहाँ पे जो सेक्शन है वो है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ओके, सो इंजीनियरिंग मैथ्स में आपका डिस्क्रीट मैथ्स आ गया, लीनियर अलजेब्रा आ गया, कैलकुलस आ गया, एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स आ गया। सो अभी जो लोग सेकेंड ईयर में वो लोग ये सब्जेक्ट्स पढ़ना चालू कर दें अपने कॉलेज के सिलेबस के साथ, मैं ये कहूँगा। जिन लोग को थर्ड ईयर में आ गए हैं वो मैं कहूँगा इंजीनियरिंग मैथ से स्टार्ट ना करें, उनके लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट होगा स्टार्ट करने के लिए वो है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपने अपनी ब्रांच में कभी ना कभी बहुत अच्छी तरीके से पहले ही पढ़ रखा होगा, तो इसको आपको ब्रशअप करना होगा और आपका एक सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ एल्गोरिथम्स भी मैं कहूँगा इसी के साथ जो है स्टार्ट करें, एंड इंजीनियरिंग मैथ्स जो है वो रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस कंप्यूटर साइंस एंड IT में वो पूरा इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं होता है, उसमें सिर्फ लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी ही होता है और बाकी डिस्क्रीट मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड डिजिटल लॉजिक, डिजिटल लॉजिक आई थिंक आप लोग के सेकेंड ईयर में होता है, सेकेंड ईयर या फिर फोर्थ सेमेस्टर में कहूँ, तो डिजिटल लॉजिक को जो बच्चे सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सेकेंड ईयर में ही ख़त्म करें। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि जिस हिसाब से आपके कॉलेज में जो है सब्जेक्ट्स आते जाएंगे उस हिसाब से आपको कंप्लीट करना है। ओके, नाउ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये वो सब्जेक्ट है जो अधिकतर बच्चे मिस कर देते हैं, बिकॉज ये वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स है जो कि गेट में आता है। सो इसको मैं ये कहूँगा कि इसको आप लोग 2-3 सब्जेक्ट ख़त्म करने के बाद इसे ख़त्म करने की कोशिश करना, इसको अगर बाद में डालोगे ना तो ये रह ही जाएगा, इसका कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर रह जाएगा, तो इसको 2-3 सब्जेक्ट कवर करने के बाद इसको कवर करने की कोशिश करना। नाउ आगे देखें तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन
एंड कंपाइलर डिज़ाइन जो है वो लगभग लगभग एक तरीके के सब्जेक्ट हैं। तो इन दोनों को पहले कंपाइलर डिज़ाइन करने से पहले थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन करना, उसके बाद साथ ही साथ कंपाइलर डिज़ाइन को ख़त्म कर देना। एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स में नोट्स आपको आपके काफ़ी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो आ जाता है। सो कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको थ्योरी काफ़ी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ऑल्सो न्यूमेरिकल्स तो है ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पे थ्योरी काफ़ी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बुक है गैल्विन, तो गैल्विन आप लोग पढ़िए, गैल्विन में काफ़ी अच्छे तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दिए रखा है, तो आप वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पढ़ सकते हो। ऑल्सो डेटाबेसिस में आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि ईआर मॉडल जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे ईआर डायग्राम बनाने को आते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से देखते जाना, क्योंकि उनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा जगह होगा और गेट एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम एक ना एक क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। ऑल्सो ट्रांजेक्शन कंकरेंसी जो है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जो आपको पढ़ना है। सो दिस वॉज ऑल जो कि सिलेबस में था। अब बात कर लेते हैं कुछ नाउ, एक बार आप लोग सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर लोगे तो उसके बाद क्या करना है कि आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर लेके चलनी है साथ में, ठीक है, कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर लेके चलना है। तो जैसे जैसे आप एक सब्जेक्ट खत्म कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर जो है खत्म कर दिया, तो इसके साथ में क्या होता है टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज में कुछ होते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट वाइज, फिर आते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ साथ जिसमें एक दो सब्जेक्ट मिक्स होके आते हैं, एंड लास्ट में आते हैं आपके फुल सब्जेक्ट। सो प्रोग्रामिंग एंड डीएसए जैसे मान लो आप लोग पढ़ रहे हो तो इसमें आप लोगों ने स्टैक खत्म करा, तो स्टैक के बाद स्टैक का टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर दे देना। क्यू खत्म करा, क्यू करने के बाद क्यू का टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया, तो इस तरीके से जैसे जैसे आप लोग हर टॉपिक पढ़ते चल जाना वैसे वैसे उसका टॉपिक वाइज टेस्ट देते जाना, और जैसे ही एक सब्जेक्ट जो है खत्म होता है उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे देना। साथ ही साथ मान लो एल्गो भी पढ़ लिया आपने, एल्गोरिथम, सो इसमें पहले टॉपिक वाइज देते गए, फिर जब खत्म हो गया तो सब्जेक्ट वाइज हो गया, फिर ये दोनों सब्जेक्ट अगर आपके खत्म हो गए तो मल्टी सब्जेक्ट उनका दे देना तुरंत। अगर टेस्ट सीरीज को ऐसा सोचोगे कि नहीं अभी नहीं करता हूँ, अभी पहले सारा सिलेबस कर लेता हूँ और टेस्ट सीरीज जो है मैं बाद में स्टार्ट करूंगा दिसंबर जैन में, तो सिर्फ फुल सब्जेक्ट पे ही फोकस कर पाओगे, बता रहा हूँ मैं, ओके। तो इसीलिए साथ साथ ये टेस्ट देते चलना, डिले मत करना इन्हें बिल्कुल भी। टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि आप लोग के उस डेट के हिसाब से टेस्ट खुलते हैं कि टॉपिक वाइज इस डेट को खुल गया, सब्जेक्ट वाइज किसी और डेट को खुल गया, तो जिस डेट के हिसाब से खुल रहे हो ना उसी ऑर्डर में जाना और उसी डेट को वो टेस्ट दे देना, वेट मत करना कि कल दूंगा कि परसों दूंगा, ठीक है, जिस डेट को वो खुले उसी डेट को टेस्ट देने की कोशिश करना। नाउ जो लोग अभी कॉलेज में हैं, थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में भी अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करना है, तो सेकेंड ईयर के लिए तो मैं इतना फोकस करने को नहीं कहूँगा कि फोकसली नहीं कहूँगा, वो लोग अपनी प्रिपरेशन जिस तरीके से कर रहे हैं वो भी नॉर्मली उस तरीके से करते रहें, बस ये शेड्यूल थोड़ा बहुत फॉलो करें ना। जिन लोगों को गेट देना है इस बार थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है तो, और कॉलेज में, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैंने भी कॉलेज के साथ जो है प्रिपरेशन करी थी तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे सेमेस्टर एग्जाम बीच में पड़ गए या बहुत सारे प्रोजेक्ट देने पड़ गए, तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो क्या करना है, जो लोग कॉलेज में हैं वो लोग क्या करें कि मान लो आप लोग का कॉलेज जो है 5 बजे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद 6 बजे तक आप लोग थोड़ा बहुत आराम वगैरह करते हो, उसके बाद क्या होता है कि आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मिनिमम आप लोग 4 से 4.5 घंटे, 4 घंटे मिनिमम अगर आप लोग दोगे डेली तो आप लोग सिलेबस ईजिली ख़त्म कर सकते हो, ओके। यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है वही की है, आपको रोज़ देना पड़ेगा टाइम, ऐसा नहीं कि मिस कर दिए, रोज़ आपको टाइम देना पड़ेगा और ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी साथ साथ। अब ऐसा होता है कि बीच बीच में क्या होता है कि बहुत सारी छुट्टी आ जाती है, तो जब छुट्टी आ जाएंगी तो उस छुट्टी वाले दिन को काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज करना है,
कि अभी आप सिर्फ दिन के 4 घंटे दे रहे हो, पर छुट्टी वाले दिन आप 6 से 7 घंटे देने की कोशिश करना, ठीक है? और वीकली वीकली रिवीजन जरूर करना, वीकली रिवीजन जरूर करना। और ये जो टेस्ट देते जाओ, इसकी क्या करना, एक कॉपी बना लेना, ओके? इसकी कॉपी बना लेना। और क्या करना, जो भी टेस्ट दोगे वो टेस्ट इसी कॉपी में देना। और फिर जब एक टेस्ट दे दिया तो उसके बाद वो टेस्ट खोलना, उसके बाद देखना गलती क्या करी है। मान लो ब्लू पेन से अगर आपने पूरा पेन पूरा जो टेस्ट दिया, तो रेड या ब्लैक पेन से क्या करना, उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना और वहाँ साइड में लिख लेना कि मैंने ये गलती करी है, ठीक है? और जब आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे उसी सब्जेक्ट का, तो वो गलती वाली कॉपी एक बार उठा के सारी अपनी गलतियां देख लेना, ताकि अब जो टेस्ट देने वाले हो उसमें वो गलती ना करो जो पिछले टेस्ट में कर दी, ठीक है? ऐसा करते जाना। नाउ वीकली रिवीजन आपको करना है हमेशा। और जब सेमेस्टर एग्जाम आ जाते हैं, तो सेमेस्टर एग्जाम में क्या होता है कि आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा कटता है। और सेमेस्टर एग्जाम होते भी इस टाइम पे दिसंबर में होते हैं, और पेपर आपका फेब में होना होता है। सो क्या करो कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना। ऐसा नहीं कि नॉर्मली हम लोग करते हैं कि पेपर से 10 दिन पहले पढ़ना चालू कर दिया, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके सारा ही जो टाइम है वो सेमेस्टर एग्जाम के लिए चला जाएगा। पर डेली थोड़ा थोड़ा सेमेस्टर एग्जाम के लिए अगर पढ़ते जाओगे तो एंड में इतनी दिक्कत नहीं होगी। एंड में आप अपना सब्जेक्ट का भी रिवीजन कर रहे होगे, ओके? तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ते रहना। ऐसा ना हो कि सेमेस्टर एग्जाम का 10 दिन पहले से पढ़ना चालू करो, तो सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम का ही पढ़ पाओगे। ये चीज़ें फिर आपके टच से चली जाएंगे। और मैं क्या कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी की है, आपको रोज जो है टाइम देना है। 4 घंटे नहीं दे पा रहे होगा सेमेस्टर एग्जाम में, तो रोज 2 2 घंटे दे दो सेमेस्टर एग्जाम्स में, ठीक है? सो ये वो बात हो गई। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी बातें जो है बताता रहूँगा। और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो लोग अभी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू।